हालांकि सरकार जो है झुक गई ड्राइवरों के आगे, क्योंकि धरना जो है लगातार बढ़ता रहा और कहीं कहीं हम लोग पेट्रोल पंप पर भी गए तो पेट्रोल भी नहीं मिल रहा था और साग सब्जी का जो है महंगाई भी बढ़ गया था, क्योंकि सरकार को झुकना ही था। जो कानून बना था, आपको पता होगा देश का जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा जो है एक नियम पारित किया जा रहा था, एक नियम बनाया जा रहा था ड्राइवरों के जो है प्रति, अगर आप एक्सीडेंट करते हैं जो है अगर कोई दुर्घटना आपसे हो जाती है और भाग जाते हैं वो घायल अवस्था में छोड़ के, तो आपके ऊपर जो है कानून जो है लाद दिया जाता था, जिसमें 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपया जुर्माना, 10 लाख जुर्माना, मतलब जैसा आपका कांड रहेगा, जैसा आपका स्थिति घटना रहेगा उस हिसाब से आपको जुर्माना भी लगेगा, लेकिन 10 साल की सज़ा आपको भुगतना पड़ेगा, जिसको लेकर जो है पूरे देश में जो इसका विरोध किया गया, जगह जगह पर ट्रक जो है खड़ा कर करके लोग, ड्राइवर लोग जो है छोड़ दिए, मतलब वो इस्तीफा देने लगे जो हम लोग ड्राइवरी नहीं करेंगे। काफ़ी लोग जो हैं अपना लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस भी लोग फाड़ने लगे जब हम लोगों का ड्राइवरी नहीं करना है। इसी बीच जो है उनका एक बयान आया, जो गृह मंत्री है उनका एक बयान आया, जो सारे ड्राइवर लोग जो हैं अपने अपनी घरों में लौट जाइए, अपने अपने कामों पर लौट जाइए, जो ये कानून बनने वाला है आपका जो डिपार्टमेंट है उन लोग से हम लोग बात करेंगे, उसमें मशवरा लेंगे, इसके बाद आगे की कानून जो कानून बनने वाला है उस पर चर्चा किया जाएगा। लेकिन ये इतना जल्दी क्यों, क्योंकि आपको 2-3 दिन, क्योंकि ये जो है कानून जो प्रस्ताव किया गया था ये 20 दिसंबर 2023 को जो है ये प्रस्ताव किया गया था, ये संसद भवन में पढ़ा गया था गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, लेकिन ये लगातार 1 जनवरी से 3 जनवरी तक लोग जो धरने पर बैठे रहे, ये सारे धरना जो है कहीं ना कहीं इनका सफल हुआ और इसको जो है ये बिल को जो है वापस करने का निर्णय ले लिया गया, सारे ड्राइवर भाई लोग जो है वापस चले गए। लेकिन इतना जल्दी लेने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न एक ही हो सकता है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाला है, अगर वो ये बिल को जो है वापस नहीं करते तो उनका कहीं ना कहीं फील्ड जो है ख़राब हो सकता था, और आपको 60% लगभग 60-65-70% जो है ड्राइवर लोग जो है हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था, मतलब अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं इन लोगों के एक अहम रोल होता है, और इन लोगों का बात जो है सरकार मानी, सरकार को झुकना पड़ा और वो बिल को वापस किया गया, और बिल दोबारा जब पास होगा तो उसके ऊपर संशोधन करने की जिक्र आई, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 का ख्याल उनको ज़रूर आया, क्योंकि 2024 का अगर चुनाव अगर वो हार गए, क्योंकि ये जो है चुनाव संबंधित बहुत ज़्यादा ये कवरेज कर सकता था, क्योंकि प्रभाव डाल सकता था, जिसके वजह से जो है ये रूल नियम को भी सरकार को वापस लेना पड़ा।